हम गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्र गुजार हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, कि 3.5 महीने के बाद हमारे बस स्टैंड पे फिर उन्होंने कोई 2-3 रूट की गाड़ियां जो छोड़ी। लोग बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे थे, लोगों को पैदल चल के आना पड़ता था, तो बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने ये गाड़ियाँ छोड़ी। लोगों को भी चाहिए कि इस कैविडोनी को लेकर अपनी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। तो इस वक्त बीमारी जो है हिंदुस्तान में अरूज भी है, दुनिया पे अरूज भी है, हिंदुस्तान में क्या है, लेकिन फिर भी हमें सब आदमी का, हर इंसान का फर्ज बनता है कि इसकी हाँ बिल्कुल जनाब, हम बहुत बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। डी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये गाड़ियाँ चलाई, बस स्टैंड ओपन किया 3.5 महीने के बाद, ये ओपन किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूंगा, ख़ासतौर पे डीसी साहब का और एसएसपी साहब का, जिन्होंने जो है बस स्टैंड को जो है वापस यहाँ पे बसें और मिनी बसें जो है यहाँ पे लाई। उससे काफ़ी परेशानी थी लोगों को, एक तो लोग यहाँ से पैदल वहाँ पे जाते थे उसके लिए उनको परेशानी थी, कोई बाज़ार से सामान लेता था, और कुछ गरीब लोग थे जो जिनको ज़्यादा परेशानी थी, जो यहाँ से सामान लेके बस स्टैंड में जहाँ से बाज़ार से सामान खरीद के 50 रुपया ऑटो को किराया दे के बेचारे वहाँ तक पहुँचते थे, उनको बड़ी परेशानी थी कि हम कैसे बच्चे के लिए, अपने बीमार बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए दवाई लें, या अपने घर के लिए सामान लें, या जो है गाड़ियों का किराया दें, काफ़ी दिक्कत थी।